Hello everyone, this is Akansha Dubey from IndianLawInfo.com and today's topic is Mens Rea and Actus Rea. So let's start with understanding what is Actus Rea. So Actus Rea is basically a Latin term which means guilty act. गिल्टी एक्ट ये जो है वो फिजिकल एस्पेक्ट होता है किसी भी क्राइम का, बॉडली मूवमेंट होती है, दैट इज़ बॉडली मूवमेंट, यानी कि कोई भी क्रिमिनल एक्ट कमिट करते वक्त क्या एक्शंस होते हैं उस पर्सन के, क्या गलत एक्शन होते हैं, जो भी क्रिमिनल एक्शंस होते हैं उसको जो है हम बोलते हैं एक्टस रियस. इट हैज़ टू बी वॉलेंट्री सर. एक्टस रिया जो है वो इंसान को वॉलेंट्री खुद जान करके करना चाहिए. विन इनवॉलेंट्री एक्शंस जो होते हैं उसको जो है वो हम एक्टस रिया के अंदर में कंसिडर नहीं करते हैं. दे आर नॉट पनिशेबल. तो एक्टस रिया के अंदर में जो है दो एक्सेप्शंस हैं. पहला है इनवॉलेंट्री एक्शंस, दैट इज एज आई सेड अर्लियर कि अगर कोई भी क्रिमिनल एक्शन जो है, गिल्टी एक्शंस जो है वो इनवॉलेंट्री पर्सन कर रहा है तो उसको जो है वो हम वो जो है वो पनिशेबल नहीं है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी पर्सन की नॉलेज के बिना उसको जो है वो अल्कोहल कंज्यूम कराई गई है एंड देन वो पर्सन जो है वो उस अल्कोहल कंजम्पशन के इन्फ्लुएंस में जाकर के कोई क्राइम कमिट करता है तो दैट वुड बी सेड टू बी एन इनवॉलेंट्री एक्शन एंड दैट इज़ एन ऑल्सो अ जनरल एक्सेप्शन अंडर द IPC. एंड देन कॉन्स्पिरेंसी इज अ मैटर जहाँ पर जो है वो प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं कि किसी भी पर्सन को जो है उसने कोई है गिल्टी एक्शन कमिट किया है एंड बिना गिल्टी एक्शन के भी वो पर्सन जो है हम किसी भी पर्सन को जो है वो पनिश कर सकते हैं जस्ट बिकॉज उन्होंने कॉन्स्पिरेंसी की है. कॉन्स्पिरेंसी दैट इज ओनली गिल्टी माइंड इज प्रेजेंट देयर. एंड मूविंग फॉरवर्ड टू मेंस रिया. मेंस रिया इज अ लैटिन टर्म अगैन विच मीन्स गिल्टी माइंड. दिस इज अ प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश क्रिमिनल लॉ. अब इंग्लिश क्रिमिनल लॉ में जो है वो ये माना जाता था कि अगर किसी भी पर्सन जो कोई भी पर्सन जो है अगर उसने जो है वो क्राइम कमिट किया है लेकिन उसका जो माइंड है अगर वो इनोसेंट है तो उस कमीशन ऑफ क्राइम की, उस कमीशन ऑफ ऑफेंस की जो है वो उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगी. और ये इंडिया के अंदर में जो है वो एक मेंटल एलिमेंट है क्राइम का. किसी भी क्राइम के अंदर में जो एक मेंटल एलिमेंट होता है उसको जो है हम गिल्टी इंटेंशंस जो है दैट इज दिस मेंस रिया. इंडिया में जो है वो हर क्राइम के साथ में जो है वो किसी इस इंटेंशंस को जो है द स्टैट्यूट इटसेल्फ जो IPC है वो खुद ब खुद जो है वो हर जगह पे ये प्रोवाइड करता है कि इस एक्ट के कमीशन की, इस एक्ट के पनिशमेंट को प्रोवाइड करने के लिए देर हैज़ टू बी अ क्रिमिनल इंटेंशन बिहाइंड इट. फॉर एग्ज़ाम्पल जो थ्रेफ्ट है उसको जो है वो डिसऑनेस्टली जो है वो लोगों ने कमिट करना चाहिए. जो चीटिंग है उसको जो है वो फ्रॉडेंटली लोगों ने कमिट करना चाहिए. जो मर्डर है उसको जो है वो इंटेंशनली या नोइंगली कमिट करना चाहिए. एंड इन नाथूलाल वर्सेस स्टेट ऑफ MP इन ईयर 1966 सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी भी क्राइम को, क्रिमिनल ऑफेंस को प्रूफ करने के लिए या किसी भी क्राइम को पनिश करने के लिए एक्टस रिया, गिल्टी माइंड प्रूव करना जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अब एक्टस रिया जो है, सॉरी, जो मेंस रिया है ये जनरली जो है वो बहुत ज़रूरी होता है किसी भी क्रिमिनल या किसी भी कोई भी पनिशमेंट देने से पहले प्रूफ करने के लिए. बट दे आर सर्टन एक्सेप्शंस जहाँ पर जो है वो मेंस रिया प्रूफ किए बिना भी जो पनिशमेंट्स हैं वो दी जा सकती हैं. फर्स्ट वन इज स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी. तो जहाँ पर भी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का प्रिंसिपल जो है वो लगाया जाएगा वहाँ पर जो है वो क्रिमिनल इंटेंशंस जो है बिहाइंड जो है वो प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है. फिर ऐसे सिचुएशंस नंबर टू जहाँ पर जो है वो प्रूफ करना डिफ़िकल्ट है कि वो पर्सन जो है वो उसके गिल्टी इंटेंशन है या नहीं है, या फिर ऐसे चीज़ें जहाँ पर जो है वो स्टैट्यूट जो है वो खुद ब खुद बोलता है कि यहाँ पर जो है वो गिल्टी इंटेंशन प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है. फॉर एग्ज़ाम्पल गलत जगह पार्किंग करना, नो पार्किंग एरिया में पार्किंग करना प्रूफ कर, इसके लिए जो है वो पेनाल्टी लगाने के लिए किसी को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है कि वो पर्सन जो है उसने इंटेंट किया था यहाँ पर पार्क करने का या उस पर्सन का जो है वो माइंड जो है वो गिल्टी है. देर इज़ नो नीड, क्योंकि स्टैट्यूट जो है वो प्रोवाइड करता है कि देर इज़ नो नीड टू प्रूव द गिल्टी इंटेंशन ऑन द पार्ट ऑफ द ऑफेंडर. देन पब्लिक न्यूसेंस अगैन, पब्लिक न्यूसेंस में आपको गिल्टी इंटेंशन प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है. सिर्फ और सिर्फ ऐसे एक्शन जो पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट करते हैं उनको जो है वो पनिश किया जा सकता है विदाउट प्रूविंग कि उनके पीछे कोई गिल्टी इंटेंशंस है, बिकॉज दिस इज़ फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द सोसाइटी.
देन इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। इट मींस कि बेसिक प्रिंसिपल है ये कि अगर आप कहीं पे भी जाते हैं तो आपको वहाँ का लॉ ऑफ द लैंड जो है उसके बारे में पता होना चाहिए। यू कांट कमिट एन ऑफेंस विच इज़ अ क्राइम इन द लैंड इन द प्लेस दैट यू आर एंड से कि आपको पता नहीं था कि ये जो है यहाँ के कानून के हिसाब से एक क्राइम है, बिकॉज यू आर सपोज टू नो द लॉ ऑफ द लैंड एंड दस इन इग्नोरेंस ऑफ लॉ अगर कोई पर्सन जो है वो कोई एक्ट कमिट करता है, दे कांट से दैट दे आर नॉट अवेयर ऑफ इट एंड दस देर इज़ नो गिल्टी इंटेंशन। एंड इवन इफ जो है वो पर्सन को पता नहीं है कि वो जो ये कर रहा है वो गलत है एंड देर इज़ नो गिल्टी इंटेंशन बिहाइंड इट, स्टिल दे वुड बी पनिश्ड। थैंक यू।